हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक लीनियर कंडक्टर यानी जिसकी लेंथ के अलोंग चार्ज दिया हो, उससे गॉस थ्योरम को यूज करते हुए उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव किया था, और उसका डिस्टेंस के साथ वेरिएशन भी हम लोगों ने ग्राफ के थ्रू देखा था। आज उसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहां पर अब क्या है कि एक सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर का मतलब जैसे लाठी होती है ना, डंडा, तो एक क्या है, एक तो है बैंबू यानी बांस है, बांस अंदर से खोखला है तो वो हॉलो सिलेंडर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग स्टील की रॉड या सरिया लें तो ये अंदर से पूरी तरीके से फिल होती है ना, या लकड़ी का एक बोटा ले लें, है ना, तो ये क्या है, ये एक सॉलिड सिलेंडर है। तो हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर है, तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर को चार्ज देने के लिए हमें उसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज को देना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है, ठीक, और इसको इस तरीके से चार्ज दिया गया है कि इसके यूनिट वॉल्यूम में क्यू कूलॉम का चार्ज है, वी वॉल्यूम में इसके कितना चार्ज है, क्यू कूलॉम का चार्ज दिया गया है। अब इस चार्ज सिलेंडर के कारण हमें तीन पॉइंट्स पर निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसकी एक्सिस है, ठीक है, ये इसकी एक्सिस है, इसको कहीं लिख लीजिए, ए बी, ए बी इसकी एक्सिस है और आर इसकी क्या है, कैपिटल आर रेडियस है। अब हमें तीन पॉइंट्स पर, एक तो इस सिलेंडर के बाहर निकालना है, फिर सिलेंडर के सरफेस पर निकालना, और तीसरा क्या है, सिलेंडर के अंदर किसी पॉइंट पर निकालना है, ठीक है। तो इसमें से शुरू करते हैं, पहला हम लोग एट एक्सटर्नल पॉइंट जहां पर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन रेडियस, यानी जो डिस्टेंस है एक्सिस से वो क्या होगी, रेडियस से ज्यादा है। तो पॉइंट मैं यहां बना लेता हूं, सपोज कर लीजिए ये है पॉइंट पी, और ये जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल आर, ठीक है। तो इस सिलेंडर को अब यहां पर पहली चीज क्या है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। तो गॉसियन सरफेस कैसा हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसी सिलेंडर को अगर हम एक्सप्लोर करें तो एक बड़ा सिलेंडर बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा सिलेंडर बनाना है जिसका वॉल्यूम क्या हो, वी हो, ताकि सिलेंडर के अंदर जो चार्ज आए वो कितना है, क्यू चार्ज, ठीक है। तो एक सिलेंडर हम लेते हैं गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, और उसकी एक्सिस इस सिलेंडर की एक्सिस होगी, ठीक है, और उसका वॉल्यूम कितना होगा, वी। तो वी वॉल्यूम के लिए हम मान लेते हैं कि हम एच हाइट का सिलेंडर लेते हैं। तो चलिए ड्रॉ करते हैं हम लोग एक गॉसियन सरफेस जो जिसकी एक्सिस यही ए बी रहेगी, रेडियस स्मॉल आर रहेगी, हाइट एच रहेगी, और ये कहां से पास होगा, पी से। तो ये बेटा हम लोगों ने क्या किया है, एक सिलेंडर बना लिया है, इसका वॉल्यूम कितना है, वी, हाइट है इसकी मान लेते हैं स्मॉल एच हाइट है, रेडियस क्या है इसकी स्मॉल आर, ठीक है, और इस पॉइंट पर हम एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं, ये एकदम पिछले प्रूफ की तरह है, ये छोटा सा एलिमेंट है, इसका एरिया है। तो यहां तीन सरफेस बनेंगे सिलेंडर के, एक ऊपर वाला बॉटम, एक ऊपर वाला टॉप हो गया, नीचे वाला बॉटम हो गया, और एक इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी इस बेलन के तीन पृष्ठ बनेंगे, एक ऊपर का सिरा, ऊपर की चकती वृत्ताकार, दूसरे नीचे की तली वृत्ताकार, और उसके बाद ये इसका वक्र पृष्ठ है ना। तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं, यहां पर अगर एक हम लोग ले डी ए वन ऊपर वाले इसके टॉप पर, तो ये डी ए वन की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, और यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण ये इधर होगी, यानी एंगल कितना है 90 डिग्री का। फिर अगर इसके बॉटम पर ले यहां पर डी ए थ्री, तो ये इधर, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो फिर से क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसमें वो लाइनें बार बार नहीं लिखूंगा, पिछले लेक्चर में आप लोग देख चुके हैं, यहां पर ये हो जाएगा डी ए टू, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो यहां एंगल हो गया 0 डिग्री। अब इस वाले सरफेस के ये छोटे से हिस्से से जो फ्लक्स एसोसिएट हुआ है वो हो डी फाइव वन, इससे कितना हुआ है डी फाइव टू, और इससे कितना होगा डी फाइव थ्री, यानी इस छोटे से एरिया से डी फाइव वन फ्लक्स एसोसिएट है, इससे डी फाइव टू और इससे डी फाइव थ्री। तो यहां पर क्या है, अब ये चीज आप इसको लिख सकते हैं, इसको मैं यहां बार बार नहीं लिखूंगा कि हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें पहले डिक्टेट की जा चुकी हैं, ठीक है। तो सिंस
डी फाई इज इक्वल टू या डी फाई ई इज इक्वल टू डी फाई वन प्लस डी फाई टू प्लस डी फाई थ्री। अब डी फाई वन डी फाई टू डी फाई थ्री की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, तो डी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डी ए वन प्लस ई डॉट डी ए टू प्लस ई डॉट डी ए थ्री। तो यहां पर एंगल है 90 डिग्री, यहां एंगल है 90 डिग्री, यहां है 0 डिग्री, तो डी फाई ई जो हो जाएगा हमारा ये होगा ई डी ए वन कॉस 90 प्लस ई डी ए टू कॉस 0 प्लस डी ई डी ए थ्री कॉस 90। तो कॉस 90 की वैल्यू 0 यानी ये भी 0 ये भी 0 कुल मिला के बचे गए, कॉस 0 की वैल्यू 1 यानी डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए टू, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब हम लोग डी फाई का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे तो इसको इंटीग्रेट कर दें तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 फाई ई हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल डी फाई ई और ये हो जाएगा ई क्लोज इंटीग्रल डी ए टू। अब डी ए टू फिर से क्या हो जाएगा, टोटल वक्र पृष्ठ यानी टोटल इसका कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच, कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। तो ये हो जाएगा यहां पर ई टू पाई आर इंटू एच हो जाएगा, क्लियर है यहां पर ये, यानी फाई ई की वैल्यू कितनी आ गई ई इज इक्वल टू फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू टू पाई आर एच, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, गॉस थ्योरम को यूज करते हैं, तो स्क्रीन को वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको थोड़ा सा चाहे तो नोट्स बना करके कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो बच्चों गॉस थ्योरम को देखो यूज करते हैं हम लोग, यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा या एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा किसी भी मीडियम के लिए। तो इसको क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं हम लोग, या के रहने दीजिए आपकी बुक में ये नहीं होगा। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 से फाई ई की दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इक्वेशन 2 और 3 से देखो क्या आ जाएगा, ई इंटू टू पाई आर इंटू एच इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको नीचे ले जाइए तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई 2 पाई 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर इंटू एच, ये कितना आ जाएगा क्यू बाई आर इंटू एच। इतने न्यूटन पर कूलम। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, कांस्टेंट के टर्म में लेकर के आना है। ये जो इक्वेशन है इसमें आर और एच ये दोनों क्या है, वेरिएबल है, तो इसको अब हमें कांस्टेंट के टर्म में लाना है, और हमारा कांस्टेंट क्या है, रो। रो क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका यूनिट वॉल्यूम भाई, इसकी रेडियस कितनी है स्मॉल आर, है ना, और हाइट अगर एच हो तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये पाई आर स्क्वायर एच, अब इसमें जरा देखिए, तो यहां पर क्या करें, इस इक्वेशन में हम लोग आर स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, तो ये जो पाई आर स्क्वायर एच है ये हो जाएगा वॉल्यूम, और क्यू अपॉन वॉल्यूम ये हो जाएगा रो। तो देखिए क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई
पाई आर स्क्वायर एच इंटू आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। तो ये हो गया हमारा रो। अब इसको देखो कि क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू रो बाई टू एप्साइलन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर। अब यहां पर क्या है, केवल इसमें एक ही वेरिएबल है बस आर। इसका मतलब ये फिर से वैसे ही आ गया जैसे E is inversely proportional to R, जैसे हमारा लीनियर कंडक्टर वाला आया था, यानी सिलेंडर के बाहर के पॉइंट्स के लिए ये जो सिलेंडर है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लीनियर कंडक्टर की तरह। यानी हम ये मान सकते हैं कि ये पूरा का पूरा चार्ज कहाँ है, इसके एक्सिस पर दिया हुआ है, लेकिन केवल बाहर वाले पॉइंट के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इतने न्यूटन पर कूलाम कहाँ के लिए, इक्वेशन नंबर ये कोई आपका फोर आएगा, ये फोर इक्वेशन नंबर फोर, ये था फाइव आ जाएगा ना। तो ये हो गया E एट एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल पॉइंट पर E आएगा, और यहां पर इसका जो चेंज होगा पोजीशन के साथ, जो इसका चेंज आएगा वो कितना आएगा, यहां पे देखिए E एक्सटर्नल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये ध्यान रखिए, इसे कहीं नोट करें, क्योंकि अभी जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें, है ना। तो ये हो गया हमारा, ये एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब देखना है सरफेस पर, दूसरा पॉइंट क्या है सरफेस पर, तो इसको यहीं पर मैं इसको कर दे रहा हूं इसी इक्वेशन से। सेकंड है एट सरफेस, तो अगर ये पी पॉइंट कहां जाए सरफेस पर, तो देखो स्मॉल आर कैपिटल आर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एट सरफेस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो बेटा इस इक्वेशन में क्या कर दो कि जहां जहां स्मॉल आर है, क्योंकि जब पॉइंट पी को हम यहां पर लेकर के आ रहे हैं तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज वार्ज का अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से सरफेस तक आने में क्या हो रहा है, केवल आर चेंज हो रहा है। तो हम लोग इस आर की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करें, जहां जहां स्मॉल आर है वहां कैपिटल आर लिख दें। तो ये कितना हो जाएगा हमारा ई सरफेस ई एस इज इक्वल टू हो जाएगा रो बाई टू एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर, एक आर से आर कैंसिल, यानी ई सरफेस इज इक्वल टू हो जाएगा रो बाई टू एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और ये हो जाएगी इतने न्यूटन पर कूलाम, इक्वेशन नंबर सिक्स। देखो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या होगी, क्योंकि आर की जो सबसे छोटी वैल्यू हो सकती थी वो क्या हो सकती थी स्मॉल आर। अब इसके बाद जब आर को हम लोग और छोटा करेंगे तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, सिलेंडर के अंदर चला जाएगा, और वहां कंडीशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, थोड़ी सी इससे अलग होगी। क्यों, क्योंकि अब गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो क्यू नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरीके का आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का चेंज जब हम अर्थ के सरफेस से डेप्थ में जाते हैं, तो जो रिलेटिव मास होता है वो चेंज होने लगता है ना, यानी जो इफेक्टिव मास होगा जो हमारे ऊपर ग्रेविटेशन लगाएगा वो चेंज होता है। तो वैसे यहां पर अब जब तीसरा पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, कुछ उसमें है नहीं, है ना। तो ये क्या हो जाएगी E की मैक्सिमम वैल्यू, यानी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू। क्यों, क्योंकि इस R की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है भाई, R लेने को तो इनफाइनाइट तक ले जा सकता है, और R जो सबसे करीब में लिया जाएगा वो इसके सरफेस पर, यानी कैपिटल R पर लिया जाएगा। ठीक है, यानी पॉइंट की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो है कैपिटल R, और स्मॉल R की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। तो अब देखते हैं इसका तीसरा, इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तीसरा वाला जो पॉइंट है उसमें क्या है कि हमें ये सिलेंडर के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो यहां पर एक चीज मैंने लिखी हुई है, इसको टाइम बचाने के लिए, लेक्चर छोटा करने के लिए इसको पहले बना दे रहा हूं, कि व्हेन वी टेक अ पॉइंट इनसाइड द सिलेंडर, जब हम सिलेंडर के अंदर कोई पॉइंट लेते हैं तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो एनक्लोज चार्ज है, ठीक है, वो चेंज हो रहा है। यानी अगर हम छोटा गॉसियन सर ये पॉइंट अगर और पास रहते तो सिलेंडर और छोटा बनता, यानी उसके अंदर चार्ज क्या हो जाता और कम आता। अगर यहां पर लेते इस पॉइंट आर को, ठीक है, तो सरफेस और बड़ा बनता, उसके अंदर आने वाला चार्ज, यानी जो एनक्लोज चार्ज है क्यू इन, इसकी वैल्यू आर के साथ चेंज हो रही है। यानी जो हमारा फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, ई इज इक्वल टू वन बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R into H, ये जो फॉर्मूला था इसमें R को अगर चेंज करोगे तो ये भी चेंज हो जा रहा है। और इस केस में क्या है, हमने मान लिया कि इसके गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो कितना है Q dash,
तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्यू डैश। अब जैसे आप आर को चेंज करेंगे क्यू डैश भी चेंज हो जाएगा, तो आर और क्यू डैश इन दोनों में से किसी एक को हमें एक वेरिएबल को कांस्टेंट के टर्म में लिखना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट क्या होगा हमारा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना है, रो, है ना। तो यहां पर देखिए यूनिटरी मेथड है एकदम, है ना, कि सिंस चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम, यानी एक वन वॉल्यूम में वन मीटर क्यूब या वन सेंटीमीटर क्यूब में कितना चार्ज है, रो, देयरफोर इसका वॉल्यूम कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर इनटू एच, देयरफोर चार्ज इन गिवन वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम में कितना चार्ज है, क्यू डैश, तो क्यू डैश कितना हो जाएगा, वॉल्यूम यानी पाई आर स्क्वायर एच इंटू चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम। अब अगर ये क्यू डैश की वैल्यू हम लोग यहां रख दे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ई इंटरनल, तो ई इंटरनल क्या हो जाएगा, ई इंटरनल हो जाएगा वन बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट रो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन आर एच, आर से आर, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये देखिए क्या आ जाएगा, ई इंटरनल हो जाएगा वन बाई सॉरी रो बाई टू पाई, रो बाई टू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यानी अब एक्सिस से लेकर के सरफेस तक जो ई का वेरिएशन है वो क्या है, आर। अब ये तो दोनों कांस्टेंट हो गए, इसको न्यूटन पर कूलाम, इसको कोई इक्वेशन नंबर जो भी हमारा 7 या 8 नंबर है उसको, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ई इंटरनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी एक्सिस पर अगर हम देखें तो एक्सिस पर आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो। और अगर यहां पर देखें सरफेस पर, तो ई एट सरफेस ये कितनी आ जाएगी, देखिए रो कैपिटल आर अपॉन टू पाई, यानी रो बाई टू एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर। और ये देखिए ये दोनों फॉर्मूले हमारे सही हैं, क्योंकि इंटरनल वाले से भी सरफेस का यही फॉर्मूला आया, और जो एक्सटर्नल यानी आर को हम बाहर से सरफेस पर लाए तो भी यही फॉर्मूला मिला था, और आर को अंदर से सरफेस पर लाए तो भी यही फॉर्मूला। इसका मतलब कि ये फॉर्मूला हमारा क्या है, सही है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है कि कैसे एक्सिस से सरफेस तक बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और कैसे सरफेस से बाहर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से ई का वेरिएशन है आर के साथ। तो यहां पर एक ऐसे सिंबॉलिक सिलेंडर मैंने बना दिया है, और यहां पर ये इस एक्स एक्सिस पर आर को लिया गया है और वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को लिया गया, और यहां पर देखिए इस जगह पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू ले ली है ना, कि यहां पर ई मैक्स कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहां, ठीक। फिर देखिए इनसाइड, अगर सिलेंडर के अंदर देखना तो हमें इनसाइड फॉर्मूला लेना पड़ेगा। यहां पर देखो ये क्या, ये कांस्टेंट है ना, यानी ये हो जाएगा E इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी Y इज प्रोपोर्शनल टू X, ये आ रहा है ना, क्योंकि ये Y एक्सिस पर है, या प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ तो ये क्या हो जाएगा, Y बराबर MX, यानी सिलेंडर के अंदर एक्सिस से लेकर के सरफेस तक क्या होगा, E जो है लीनियरली y बराबर mx, यानी स्ट्रेट लाइन के अलोंग चेंज हो रहा है, और वो लाइन कैसी होगी, y बराबर mx, ये जो लाइन होती कहां जाती है, ओरिजिन से पास होती है, ठीक। यानी r बराबर 0 पर ये क्या हो जाएगा, 0, है ना, और r बराबर कैपिटल r पर ये कहां पहुंच जाएगा, सरफेस की वैल्यू पर, यहां और यहां, क्योंकि ये वैल्यूज यहीं तो ली हुई है हम लोगों ने। अब यहां से यहां इसका वेरिएशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में, यानी ये ग्राफ इस तरीके से आएगा, इधर और ये इधर, तो यहां पर क्या है, जो E है दिस इज प्रोपोर्शनल टू R, यहां भी E प्रोपोर्शनल टू R है। अब ये मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया, अब इसके बाहर जब R को हम कैपिटल R से बड़ा रखेंगे तो हम गोले के बाहर पहुंच गए, और इस सिलेंडर के बाहर पहुंचने पर क्या हो जा रहा है, E एक्सटर्नल, ये इतनी सारी चीजें कांस्टेंट हैं,
यानी y इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स या y इंटू एक्स बराबर कॉन्स्टेंट। और ये किसका इक्वेशन है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोले यानी समकोणिक अतिपरबले का, यानी ये दिखने में तो पैराबोला जैसा होता है लेकिन इसकी स्लोप क्या होगी? कम होगी। तो और r बढ़ाने पर e घटेगा, और r बराबर अगर हम इनफाइनाइट रख दे तो e क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये गया इस तरीके से, और यहां पर ये क्या हो रहा है? e इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r और e इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अब इसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं? पोटेंशियल। तो देखते हैं पोटेंशियल हमारे सॉलिड से चार्ज सिलेंडर के कारण। पोटेंशियल यहां पर मैं आपको केवल दो जगह से बताऊंगा, यानी एक एक्सटर्नल पॉइंट पर और दूसरा सरफेस पर, क्योंकि इंटरनल पोटेंशियल के लिए हम लोगों को हॉलो सिलेंडर पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन जो है वो हमारा पार्ट में होगा, दो पार्ट में, यानी अंदर के चार्ज के कारण भी पोटेंशियल पैदा होगा और जो गॉसियन सरफेस के बाहर चार्ज होता है उसके कारण भी गॉसियन सरफेस पर, यानी जिस पॉइंट पर हम देख रहे हैं वहां पोटेंशियल पैदा होगा, जैसे अभी हम लोग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में देखेंगे। ठीक है, तो इंटरनल पोटेंशियल पढ़ने के लिए हमें पहले हॉलो सिलेंडर के कारण पोटेंशियल पढ़ना पड़ेगा, वो फॉर्मूला यूज होगा। तो इसलिए दो पार्ट बता करके मैं लेक्चर यहीं पर खत्म कर दूंगा। तो देखिए एक्सटर्नल पॉइंट पर पोटेंशियल V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर। तो एक्सिस से बाहर की तरफ ही हम लोग डी आर को भी लेते हैं जिस डायरेक्शन में ई है, और एक्सिस पर आर की वैल्यू जीरो है, और जिस पॉइंट पर हम ले रहे हैं बाहर वहां पर, तो ये जीरो से लेकर के आर तक है, तो कितना हो जाएगा? देखिए ये सारी चीजें कॉन्स्टेंट है, माइनस रो आर स्क्वायर टू इंटू एप्साइलन नॉट, या यहां पे इसकी लिमिट ना लगाइए, केवल एक जनरल इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, और ये हो जाएगा इंटीग्रल 1 बाई आर डी आर। तो इंटीग्रल 1 अपॉन आर डी आर क्या हो जाएगा? लॉग आर, ये फिर यानी सिलेंडर अपने से बाहर वाले पॉइंट के लिए, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए वैसे ही बिहेव करेगा जैसे एक लॉन्ग वायर या लॉन्ग कंडक्टर करता है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? लॉग आर आ जाएगा, और वी एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल पॉइंट पर वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस रो आर स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट लॉग आर। सरफेस के लिए यहां पर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल आर हो जाएगी, इतने वोल्ट, यानी इसका ग्राफ जो आएगा वो लॉगरिथमिक ग्राफ आएगा। तो ये था हमारा एक चार्ज सॉलिड सिलेंडर के कारण किसी पॉइंट पर, यानी एक्सटर्नल इंटरनल और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। पोटेंशियल मैंने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आपको बताया है। तो इसी तरीके से लेक्चर्स देखते रहिए, मिलते हैं अगले भाग में।